Let's तुम सुबह से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो इसे कैसे कह सकते हैं हम इंग्लिश में यू बिन बगिंग यू बिन बगिंग जी हाँ friends, बग का मतलब एक insect तो होता ही है लेकिन बग को जब हम एक वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है परेशान करना बग करना आप बगिंग की जगह पर कह सकते हैं अनोइंग यू बिन अनोइंग यू बिन बॉदरिंग मी यू बिन मी ऑफ पिसिंग मी ऑफ ये बहुत इनफॉर्मल है यू हैव बीन गेटिंग ऑन माई नर्व्स यू हैव बीन इरिटेटिंग मी यू हैव बीन गेटिंग अंडर माई स्किन सिंस मॉर्निंग सुबह से आप मुझे परेशान कर रहे हो किसी को परेशान करना उसके नाक में दम कर देना उसके लिए इनमें से आप किसी भी फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं गेटिंग ऑन नर्व्स समर्विटेटिंग समवन पौथरिंग समन अनोइंग गेटिंग अंडर स्किन आपको घर पहुंचने में कितनी देर लगने वाली है आपको ये मेकअप करने में कितनी देर लगने वाली है कितनी देर लगने वाली है इसके लिए इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ लॉन्ग इज इट गोना टेक यू टू गेट होम हाउ लॉन्ग इज इट गोना टेक यानी कितनी देर लगने वाली है यू टू गेट होम हाउ लॉन्ग इज इट गोना टेक यू टू पुट ऑन योर मेकअप हाउ लॉन्ग इज इट गोना टेक यू टू पुट ऑन योर मेकअप सो फ्रेंड्स मेकअप करने को हम इंग्लिश में पुट ऑन मेकअप या फिर वेयर मेकअप भी कह सकते हैं हाउ लॉन्ग इज इट गोना टेक यू टू पुट ऑन योर मेकअप

यानी कम कर दूंगा मैं knock off. Knock some amount off. इसका मतलब है कोई पैसे कम कर देना टू रिड्यूस वैल्यू और प्राइस ऑफ इसे ऐसे भी कह सकते हैं आई विल रिड्यूस द प्राइस रुपीज आई विल रिड्यूस द प्राइस और फ्रेंड्स वैसे अगर हम किसी को बोलते हैं off, ऑफ it ऑफ मतलब जो आप कर रहे हो उसे करना बंद करो बंद करो ये सब knock it ऑफ नॉक ऑफ का मतलब काम को ख़त्म करना भी होता है यानी कि काम को करना बंद कर देना भी होता है जैसे कि आई नॉक ऑफ एट नाइन एवरीडे इसका मतलब हो जाएगा कि नौ बजे हमेशा मेरा काम खत्म हो जाता है नौ बजे मैं छुट्टी कर लेता हूँ आई नॉक ऑफ एट नाइन और वैसे नॉक ऑफ का मतलब किसी को किल करना भी हो सकता है तो फ्रेंड्स सिचुएशंस पर डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन है सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी एक फ्रेज या वर्ड के मीनिंग बदल सकते हैं यहाँ पर यह फ्रेज है नॉक ऑफ यहाँ पर जो मीनिंग मैं आपको इस सेंटेंस में बता रहा हूँ वो है रिड्यूस द प्राइस आई एल नॉक फिफ्टी रुपीज ऑफ आई एल नॉक फिफ्टी रुपीज ऑफ क्या आप कम से कम सौ रुपए नहीं घटा सकते कांट यू नॉक एट लिस्ट हंड्रेड रुपीज ऑफ कांट यू नॉक एट लिस्ट हंड्रेड रुपीज ऑफ अगर हमें कहना है थोड़ा सा घटा दो बस थोड़े से पैसे कम कर दो नॉक ऑफ अ अल नॉक ऑफ अ अडल उसकी नजरों में आपकी बहुत इज्जत है सबकी नजरों में उसकी बहुत इज्जत है किसी की बहुत इज्जत होना एक अच्छा एडियम एक अच्छा फ्रेज है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं ही थिंक्स हाईली ऑफ यू ही थिंक्स हाईली ऑफ यू इफ थिंक्स हाईली ऑफ यू इट मीनस ही प्रेसिस यू एडमायर्स यू रिस्पेक्ट्स यू अ ग्रेट डील ही थिंक्स हाईली ऑफ यू सबकी नजरों में उसकी बहुत इज्जत है एवरी वन हाईली ऑफ हिम एवरी वन हाईली ऑफ हिम उसकी अर्थी को तो कोई कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा उसका दाह संस्कार बड़ा दुखदाई था उसके क्रियाक्रम के वक्त भी नहीं गया वो तो फ्रेंड्स जानता हूं ये सेंडेंस थोड़े से ऑड है अनयूजल है लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं ही वॉन्ट इवन गेट पॉल बेर ही वॉन्ट इवन गेट अ पॉल बेरर सो पॉल बेरर इज अ पर्सन हु कॉफिन उसका दाह संस्कार बड़ा दुखदायी था हिज क्रमेशन वॉज हार्ट ब्रेकिंग Cremation is that process of burning the dead body. So, cremation. His cremation was heartbearing. Cremate can also be used as a verb. Cremate. Some people went to cremate him. I hope you understand the meaning. He didn't even attend his funeral. He didn't even attend his funeral. When somebody passes away and some people gather for the cremation, that whole event, that whole thing is called funeral.

or it was devastating it was extremely surprising or shocking or kisi ko chhod dena dump ya ditch ka sakte dump someone ditch someone having ditched or having dumped by his girlfriend was a real kick in the teeth for him das is khona uske liye bada tha losing 10000 rupees was a kick in the teeth for him was a kick in the teeth if something is a kick in the teeth it means it's shocking for someone आप बहुत अच्छा बोलते हो जब किसी की हमें तारीफ करनी हो कि आप मीठा बोलते हो अच्छा बोलते हो हम कह सकते हैं यू आर वेल स्पोकन यू आर वेल स्पोकन इफ somebody इज वेल स्पोकन ही नोज हाउ टू स्पीक वेल ही नोज हाउ टू persuade people. पीपल ही इज He is ही इज अ ग्रेट स्पीकर सो ही इज वेल स्पोकन मीठा कैसे बोलते हैं कोई आपसे सीखे वन शुड लर्न हाउ टू बी वेल स्पोकन फ्रॉम यू और फ्रेंड्स जो अच्छा बोलता है मीठा बोलता है सबको

हम सिर्फ एज भी कह सकते हैं ही क्लैम्स अप एज ही सीज मी मेरे वहां पहुंचते ही सबकी बोलती बंद हो गई तो इसके लिए कह सकते हैं एवरी वन क्लैम्ड अप द मोमेंट आई रीच्ड देयर एवरी वन क्लाइम्बड अप द मोमेंट आई रीच देयर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर Bye-bye.